हेलो डियर दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नीता रूपानी रेसिपीज में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और रेसिपियाँ देख रहे होंगे, और उम्मीद करती हूँ रेसिपियाँ पसंद आ रही होंगी। नहीं पसंद आए तो मुझे बताते रहिए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सांभर और इडली की रेसिपी। तो सांभर बनाने के लिए मैंने ले ली है तुअर की दाल, ले ली है आधा कटोरी। तो चलिए बनाते हैं इडली सांभर। तो दाल को हमने अच्छे से धो लिया है, अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और डालेंगे हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसके अलावा इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, तीन चार हरी मिर्चें और एक टमाटर। अब इसे हम प्रेशर कुक करेंगे। दाल को हमने गैस पर रख दिया है, इसे हम 4 सीटी तक प्रेशर कुक करेंगे, उसके बाद मैं आपको तड़का देकर दिखाती हूँ। इडली बनाने के लिए लिया है मैंने मार्केट का रेडीमेड आटा लिया है। आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं दाल और चावल को भिगोकर। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगी। तो अभी तो मैंने इसमें मार्केट का आटा इस्तेमाल किया है। आज हम इडली बनाएंगे बिना सांचे के, क्योंकि इडली का सांचा नहीं है मेरे पास यहाँ पर, तो आज हम इसे कटोरियों में बनाएंगे। तो जब तक हमारा सांभर तैयार होता है, उस तब तक हम अपनी इडलियाँ तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने देखिए इस तरह की कटोरियाँ ले ली हैं। आपके घर में जो भी छोटी छोटी सी कटोरियाँ हों वो आपको ले लेनी है। अब हम इन कटोरियों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, ऐसे जैसे आप सांचे को लगाते हैं इडली के, वैसे ही पूरी कटोरी में आप इस तरह से ऑयल लगा लीजिए। अब ये जो इडली का बैटर है ये हम इसमें भरेंगे, जितना आप सांचे में भरते हैं उतना ही भरिए, आधी कटोरी तक भरिए, क्योंकि ये थोड़ी फूलेगी भी। तो इसी तरह से सब कटोरे को हम फिल कर लेंगे। तो कटोरियों को हमने भर लिया है, अब चलिए मैं दिखाती हूँ आपको इसमें किसे बनाने वाले हैं हम। इस तरह का आपके पास कोई भी पैन होगा वो ले लीजिए, इसे गैस पर रख दीजिए और इसमें एक पानी डाल दीजिए एक कटोरी। पानी को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो पानी जैसे ही गर्म होने लगे इसके ऊपर एक स्टैंड रख दीजिए। आपके पास जिस टाइप का स्टैंड हो आप वो रखिए, मेरे पास इस तरह का है तो मैं ये रख रही हूँ। अब इसके ऊपर हम कटोरियों को रख देंगे, गैस का फ्लेम लो कर दीजिए। तो इसमें मेरी 3 ही कटोरियाँ आई हैं, तो मैं इसमें 3 ही रखूंगी और इसे हम कर देंगे कवर। अगर आपका बर्तन बड़ा है, थोड़ा ऊंचा है, तो आप दूसरी प्लेट रख के उसके ऊपर और कटोरियाँ रख सकते हैं। अब इसे हम 15 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। 15 मिनट के बाद हम इसमें चाकू डालकर चेक करेंगे, अगर हो गई हैं तो ठीक है, अगर चाकू हमारा साफ निकलता है तो हो गई हैं, नहीं हुआ है तो वापस पकाएंगे 5 मिनट और। तो चलिए अभी सांभर को देखते हैं। तो दाल को मैंने खोल लिया है, दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है सांभर वाली। ये देखिए प्याज और टमाटर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, बाकी मिर्चों को मैंने निकाल लिया है। अब इसे थोड़ा सा हल्का सा घोट लेते हैं। अब इसके अंदर मिलाएंगे सांभर मसाला पाउडर 1 बड़ा चम्मच, और इसे बॉयल आने देंगे इसमें, इसे मैंने गैस पर रख दिया है। और इसमें हरा धनिया मिलाएंगे कटा हुआ, और थोड़े से करी लीव्स मिला रही है, थोड़े से हम तड़के में मिलाएंगे। थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच। अब इसमें बॉयल आ चुका है, आपको इसको जितना पतला रखना है और भी पतला इसे कर सकते हैं, क्योंकि बाद में ये गाढ़ा हो जाता है काफी, जैसे आप और पतला करना चाहें तो और पतला कर सकते हैं। तो सांभर में हमारे बॉयल आ चुका है, इसे बंद कर देते हैं, बाद में काफी गाढ़ा हो जाएगा। इसमें बहुत से लोग गुड़ मिलाते हैं, इमली मिलाते हैं, तो आप मिलाना चाहें तो ये स्टेज में मिला सकते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं मिला रही हूँ, मैं नॉर्मल बना रही हूँ टमाटर वाला सांभर। अब इसे तड़का लगाएंगे, इसमें ले लेंगे 2 चम्मच तेल। तड़के में सबसे पहले डालेंगे हींग आधी छोटी चम्मच। अब इसमें राई डालेंगे, मस्टर्ड सीड। अब इसको क्रैकल होने देंगे। अब इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब इसे हम तड़का हम डाल देंगे हमारे सांभर में। तो सांभर हमारा तैयार हो चुका है, ये देखिए सांभर हमारा रेडी है। अब हम इडली की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारी इडली तैयार हुई है या नहीं। तो आइए फ्रेंड्स, इडली को भी चेक करते हैं, इसको ढक्कन को हटा के देखेंगे। इसमें हम चाकू डाल के देखेंगे, अगर हमारा चाकू एकदम क्लीन निकलता है
तो ये देखिए थोड़ा सा अभी क्लीन तो निकल रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अभी है, तो इसे 5 मिनट के लिए हम और पका लेते हैं और स्टीम दे देते हैं 5 मिनट से। तो अब इडलियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं, ये देखिए। तो अब इन्हें हम गैस को बंद कर देते हैं और कटोरियों को निकाल लेते हैं। कटोरियों को काफ़ी सावधानी से निकालें, बहुत गर्म होती हैं, और इन्हें ठंडा होने के बाद हम इडली को निकालेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, वापस से दूसरी बैच इसमें रख देते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें वापस से डाल दूंगी। तो वापस से मैंने तैयार इडलियाँ रख दी हैं और इसे कवर कर देते हैं, और वापस से इसे 15-20 मिनट लगते हैं इसमें। 20 मिनट के लिए आप लो फ्लेम पर रखिए इसे। अब इन इडलियों को इस तरह से साइड साइड से इस तरह से प्रेस करिए इस तरह से, और ये इस तरह से निकाल दीजिए। देखिए ये इस तरह से, देखिए शेप कितना बढ़िया आया है इनका। तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन इडली अगर आपके पास सांचा नहीं है तो आप बना सकते हैं। देखिए देखिए, तो ये देखिए तीनों इडलियाँ मैंने निकाल ली हैं, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी, थोड़ी सी साइज़ में बड़ी हो गई हैं लेकिन बढ़िया बनी है, सॉफ्ट। ये देखिए, तो इस तरह से आप इडलियाँ भी बना सकते हैं। तो आइए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ इडली सांभर और चटनी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इन्हें सर्व कर दिया है, सांभर को भी मैंने कटोरे में सर्व कर दिया है, और ये देखिए नारियल की चटनी को भी मैंने सर्व किया है। इसकी आपको रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर है, मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगी। और इडलियाँ भी हमारी देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं बिना सांचे के भी, कितनी बढ़िया बनी हैं। इसी तरह से बनाइए इडली सांभर, और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम नई नई रेसिपियों के साथ मिलते रहें। आपको कौन सी रेसिपी चाहिए मुझे बताते रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।